साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप से एनवायरमेंट की ये स्पिरिट हमारे यहां डेवलपमेंट को लेकर रीजनल और जेंडर डिस्पेरिटी की समस्या का भी समाधान कर रही है। पहले जहां बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में ही बड़े बिजनेस फलते फूलते थे, आज देश के हर राज्य में 625 से अधिक जिलों में कम एक स्टार्टअप है। आज करीब आधे स्टार्टअप्स टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज में हैं। ये सामान्य गरीब परिवारों के युवाओं के आइडिया को बिजनेस में बदल रहे हैं। इन स्टार्टअप्स में आज लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। साथियों, जिस स्पीड और जिस स्केल पर आज भारत का युवा स्टार्टअप बना रहा है, वो वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीयों की प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रमाण है। पहले बेहतरीन से बेहतरीन समय में भी इक्का दुक्का कंपनियां ही बड़ी बन पाती थी, लेकिन बीते साल तो 42 यूनिकॉर्न, 42 यूनिकॉर्न हमारे देश में बने हैं। हजारों करोड़ रुपए की ये कंपनियां आत्मनिर्भर होते आत्मविश्वासी भारत की पहचान है। आज भारत तेजी से यूनिकॉर्न की सेंचुरी लगाने की तरफ बढ़ रहा है और मैं मानता हूं भारत के स्टार्टअप्स का स्वर्णिम काल तो अब शुरू हो रहा है। भारत की जो विविधता है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमारी डायवर्सिटी हमारी ग्लोबल आइडेंटिटी है। हमारे यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स इसी डायवर्सिटी के मैसेंजर हैं। सिंपल डिलीवरी सिस्टम से लेकर सर्विस से लेकर पेमेंट सॉल्यूशन और कैब सर्विस तक आपका विस्तार बहुत बड़ा है। आपके पास भारत में ही डाइवर्स मार्केट्स, डाइवर्स कल्चर्स और उसमें काम करने का इतना बड़ा अनुभव है, इसलिए भारत के स्टार्टअप खुद को आसानी से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप अपने सपनों को सिर्फ लोकल न रखें, ग्लोबल बनाएं। इस मंत्र को याद रखिए, लेट अस इनोवेट फॉर इंडिया, इनोवेट फ्रॉम इंडिया। साथियों, आजादी के अमृत काल में ये सबके लिए जुट जाने का समय है। ये सबका प्रयास से लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का समय है। मुझे खुशी हुई जब एक ग्रुप ने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लेकर अहम सुझाव दिया। गतिशक्ति प्रोजेक्ट में जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसका उपयोग ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इस मास्टर प्लान में आज ट्रांसपोर्ट, पावर, टेलीकॉम सहित पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। मल्टी मॉडल और मल्टी पर्पज एसेट्स के निर्माण के इस अभियान में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए चैंपियंस के निर्माण को भी बल मिलेगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, चीप मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी और ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े अनेक सेक्टर्स में देश के एम्बिशियस प्लान्स आपके सामने हैं। हाल में नई ड्रोन पॉलिसी लागू होने के बाद देश और दुनिया के अनेक इन्वेस्टर्स
ड्रोन स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से करीब 500 करोड़ रुपए के ऑर्डर ड्रोन कंपनियों को मिल चुके हैं। सरकार बड़े पैमाने पर गांव की प्रॉपर्टी की मैपिंग के लिए आज ड्रोन का उपयोग कर रही है, स्वामित्व योजना के लिए। अब तो दवाओं की होम डिलीवरी और एग्रीकल्चर में ड्रोन के उपयोग का दायरा बढ़ रहा है, इसलिए इसमें बहुत संभावनाएं हैं। साथियों, तेजी से होता हमारा शहरीकरण भी एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है। आज अपने मौजूदा शहरों को डेवलप करने और नए शहरों के निर्माण के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। अर्बन प्लानिंग, हमें बहुत काम करना है उस क्षेत्र में। इसमें भी हमें ऐसे वॉक टू वर्क कंसेप्ट और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट का निर्माण करना है, जहां श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए बेहतर अरेंजमेंट्स हो। अर्बन प्लानिंग में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। जैसे यहां एक ग्रुप ने बड़े शहरों के लिए नेशनल साइकिलिंग प्लान और कार फ्री जोन्स की बात रखी है। ये शहरों में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी है।